हाँ एक्शन करें। तो आ गया, कैसे हो दोस्तों? मैं आपको दिखाऊंगा कि टेक्निकल दोस्त होने के नाते मैं घर में कुछ गैजेट यूज करता हूँ। छोटे छोटे गैजेट्स हैं, स्मार्ट्स हैं, लेकिन बहुत स्मार्ट्स लेकिन बहुत ही काम के हैं। तो सबसे शुरू करते हैं, शुरुआत से। हाँ शुरुआत से ही होगा। आ जा, पंखे शुरू करते हैं। दोस्तों नॉर्मली पंखे को हम स्विच से ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन लेट जाते हैं तो कौन ऑन ऑफ करने चढ़े। और यदि आप स्मार्ट फैन लेना चाहते हो तो वो 8-9 हज़ार रुपये का आता है। उससे बेटर है आप 500 रुपये का ये लें। ये है सीलिंग फैन रिमोट रेगुलेटर। इसे आप पंखे में लगा दीजिए और पंखा फिर आपका रिमोट से ऑन ऑफ होगा, जिसमें 3 आपको स्पीड भी मिल रही है। ये भी हमने कमरे में लगा रखा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंपल सी सेटिंग के साथ ये लग गया है, और मैं आपको ये ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। ये लो, ये पहले ऑन होगा, ये ऑन हो गया है। पहले तो पूरा ऑफ करना है ना यार, रुक तो जान दे, ठंडा हो जान दे। देखिए ये रिमोट है, यहाँ से हमने कर दिया ऑन, और ये हो गया ऑन, और ये हो गया मीडियम, और ये हो गया लो। अब ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि तू बंद कर दे और मैं बंद कर दूं और फलाना बंद कर दे। और भैया ये है सबसे कमाल की चीज, इसने तो मुझे बचा के ही रखा है। ये है कंप्यूटर ग्लासेस, फॉर आई प्रोटेक्शन। इंटेलिजेंस स्क्वायर का ब्लू कट है, इसमें एडवांस ब्लू कट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। मतलब कि आप कंप्यूटर यूज करते हो, आप मोबाइल यूज करते हो, तो उसमें ब्लू लाइट निकलती है, तो ये हार्मफुल ब्लू लाइट को और UV-400 को 98% तक फिल्टर कर देती है। एडवांस CR39 ब्लू कट लेंसेज हैं, एंटी ग्लेयर कोटिंग है, एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग है, अल्ट्रा लाइट वेट है, बहुत हल्का है, अल्ट्रा ड्यूरेबल TR90 फ्रेम्स है, और मैक्सिमम आपको कंफर्ट मिलेगा। तो यदि आप मोबाइल वगैरह यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, तो आंखों को खराब होने से बचा देता है। तो भैया यदि आप फोन में, कंप्यूटर में, या टीवी में, या किसी और स्क्रीन में घुसे ही रहते हो तो इसे ले लो, वरना ससुरों की आंखें फूट जाएंगी, फिर शादी नहीं करेगा कोई। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, शादी बहुत जरूरी है। दोस्तों ये है एक टाइमर स्विच, यहां पर आप देख रहे हैं आपको ऑफ का बटन, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ये टाइमर मिल रहे हैं। ये आप अपने घर की मोटर में, गीजर में लगा सकते हैं। मान लो 15 मिनट, 20 मिनट दबा दिया, 20 मिनट बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। नॉर्मली पानी की टंकी ओवरफ्लो हो जाती है तो इस तरह मोटर बंद नहीं होती, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। मैंने ये गीजर में लगा रखा है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट गैजेट्स है वो है ये स्मार्ट टैप। क्लोज से आपको टेम्परेचर बढ़ाना घटाना ये सब इसमें आपको मिल रहे हैं, और ये सिर्फ एक टोटी है। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसमें से इंस्टेंट गर्म पानी आना शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली गीजर बड़ा ही जगह घेरता है, लेकिन ये एक छोटा सा है और आप आसानी से इसको वॉश बेसन में, घर में, टंकी में आप लगा सकते हैं। दोस्तों ये है सेल्फ स्टिर मग, मतलब कि इसमें कुछ भी डालते हैं तो वो खुद से स्टिर हो जाता है। ये कॉफ़ी बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए, कॉफ़ी बनाने के लिए, चाय दो ही चीज़ें बनती है इसमें, वो बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। बहुत ही यूज़फुल है, और कुछ 800 रुपए का आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, पर आप अच्छी क्वालिटी का चुनना, क्योंकि 1 महीने बाद ये ख़राब हो जाता है, जैसे ये हो गया। और सबसे यूज़फुल चीज़ जो मुझे लगती है वो है सेंसर होल्डर और सेंसर गैजेट आता है, जो आप अपनी लाइट में, बल्ब में लगा सकते हैं कि क्लोज जाते ही वो लाइट जल जाए। जैसे सीढ़ियों पे होती है, उससे बिजली भी ज़्यादा नहीं फूकती, तो जैसे उसके क्लोज जाते हैं वो जल जाती है, और कुछ देर बाद आप वो अपने आप बंद हो जाती है, कुछ ही मिनट में ये सेटिंग होती है। तो मैंने वो अपनी सीढ़ियों पे लगाए रखी है। तो यहाँ पर, यहाँ सेंसर लाइट लगी हुई है, और मैं इसके क्लोज जाऊँगा तो ये अपने आप जल जाएगी। और देखिए नीचे भी एक लाइट है, फॉलो मी, यहाँ पे सेंसर जाले लगे हुए, सेंसर नीचे नीचे ले चले। और यहाँ नीचे भी एक सेंसर है, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, कम मेरे पीछे। और ये मैं इसके क्लोज जैसे ही, ये जल गया, ये लाइट जल गई है, और यहाँ पर है ये छोटा सा सेंसर। मेरा अगला गैजेट है ये रफ पैड। नॉर्मली मैं व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ, पर मिटाते मिटाते वो काला पड़ जाता है, तो मैं रफ पैड यूज करता हूँ। नॉर्मली आप रफ पैड देखें, अगर मैं इसको कुछ भी लिखता हूँ,
और ये एक ही क्लिक से मिट जाता है। इसका ये एलईडी पैनल है, कुछ भी लिखें मिट जाएगा। ये बच्चों के काम आ सकता है, आपके काम आ सकता है, मेरे तो बहुत ही काम आता है, और ये पूरी तरह साफ हो जाता है। तो यहां पर है ये डिश वॉशर, वोल्टास का है, और हम इसे खोल के दिखाते हैं। इसमें है ये टोकरा, इसमें दो टोकरा है उल्टे। तो यहां पर ये देख रहे हो बिल्कुल नया जैसा। और यहां पर एक गैजेट है, ये टाइमर सॉकेट। ये टाइमर सॉकेट बहुत ही बढ़िया है, सबसे काम का है, विशेष घर में ऑल आउट वगैरह आप लगाते हो, चार्जिंग लगाते हो, लोग रात में चार दिन लगा के सो जाते हैं, तो इसमें आप टाइम सेट कर सकते हो जो भी आप टाइम चाहें, जैसे कि मिनट, घंटे, इतने मिनट, उतने ही मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। साथ में क्लॉक भी है, तो 7 दिन बाद या 6 दिन बाद या वीक और जैसे भी आप इसको सेट करते हो उतनी देर बाद ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। ये ऑल आउट वगैरह के लिए या इन चीज़ों के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बेहतर है। और ये है मेरा फेवरेट फिंगरप्रिंट लॉक। इसमें एक फिंगरप्रिंट है जिससे ये खुलता है। नॉर्मली ये लॉक हो गया, कोई चाबी नहीं, कुछ भी नहीं, और इसे आप केवल फिंगरप्रिंट से खुल गया। अगर आप गलत फिंगरप्रिंट लगाओगे तो खुलेगा नहीं, देखो लाल लाल दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप सही फिंगरप्रिंट लगा दोगे बहुत ही काम का। अलेक्सा टर्न ऑन फैन। घर में आप झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहते, आपको समय नहीं मिलता, तो आप ये ले सकते हैं रोबोट, ये थोड़ा बहुत तो आपकी मदद कर देगा। तो यहां पर ये अपने काम पे लगा हुआ है चुपके चुपके। और इसकी एक और विशेष बात है कि ये बिल्ली के बच्चों को भी खिलाते रहता है। देखो 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 देखो, पोचा का पोचा और बच्चों को खिलाने का अलग ही मजा है। और ये सबसे फेवरेट और घर में मैं इसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता हूं, ये है स्मार्ट प्लग। नॉर्मली घर में स्मार्ट एसी हो सकता है, स्मार्ट फैन हो सकता है, टीवी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, फलाना ढिमक्का सब कुछ स्मार्ट हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको कुछ स्मार्ट लेने की जरूरत ही नहीं है। ये प्लग लो 600-700 रुपए एम्पेयर के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन 500-600 में मिल जाता है। ये स्मार्ट प्लग है। क्या है इसमें स्मार्ट है, आप अपने जो स्मार्ट आपका स्पीकर होता है उससे इसे कनेक्ट कर सकते हैं, आपके फोन से कनेक्ट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं, टाइमर डाल सकते हैं। तो मैंने यहां पर अपनी जो लाइटनिंग है इसमें भी प्लग लगा रखा है और मैं इससे इसको ऑन ऑफ कर देता हूं। ये देखिए, और ये ऑन, ये ऑफ। तो दोस्तों देखा आपने, इन गैजेट्स को आप घर में यूज कर सकते हो और अपनी जीवन को आसान कर सकते हो। जैसे मुझे मजे आते हैं आप भी मजे ले सकते हो मजे। तो भैया सभी को वुमेन्स डे मुबारक हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हम वुमेन्स की इज्जत तो करते ही हैं, पुरुष सारे के सारे, जैसे कि घर में वो कैसा भी खाना बना दे हम खा लेते हैं बिना किसी कंप्लेंट के, बस घिया और टिंडे ना बनाया हो, पोचा वो लगा दो कैसा भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कपड़े हमें प्रेस करके दे दो, धोके दे दो, हम कभी भी उसमें कोई कंप्लेंट करते नहीं है, बल्कि हम तो इतनी सुरक्षा और रिस्पेक्ट करते हैं कि घर में कोई हमारे छोटा बच्चा का लड़का कोई खाना वाना बना रहा हो तो हम उससे कहते भी हैं कि अरे तू लड़कियों का काम कर रहा है, क्योंकि हम उनके काम को नहीं छीनना चाहते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उनकी सुरक्षा का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो कपड़े जैसे पहनती हैं तो उन्हें अपने हिसाब से कपड़े पहनाते हैं ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे, जो लड़के हैं उनको परेशान ना करें, और हम उन्हें टाइम पे घर आने को बोलते हैं, रात में कहीं जाने को नहीं बोलते हैं, तो हम सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखते हैं। तो मेरी एक बात समझ नहीं आ रही कि अब लेबर डे आ तो रहा है, फिर अलग से वुमेन्स डे मनाने का क्या लॉजिक ना।